नैनीताल है, नैनी नैनी झील है ना, जो सी जो जितने भी अनोखे नौताल हैं सब इस नैनीताल के पीछे हैं, इस पहाड़ों के पीछे हैं यार बहुत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज हम जा रहे हैं दीपा दीदी के घर से, रुद्रपुर से, मीन्स हल्द्वानी। अभी हम इस टाइम है रुद्रपुर के पहाड़ी चंदेला गांव में, और हम जा रहे हैं वापस हल्द्वानी। मुझे छोड़ने जा रहे हैं दीपा दीदी थोड़ी आगे तक, वहाँ से मैं ऑटो पकड़ के बस में बैठूंगा, बस से फिर हल्द्वानी जाऊँगा। तो मैं भी ऐसी रही थोड़ी, इसलिए मैं आपको बैक टू बैक व्लॉग भी नहीं दे पाया। कल आपने मेरा व्लॉग देखा हो गुरुद्वारे का, बहुत ही इंजॉय किया, फिर याद आएगी यहाँ की। अब हम जा रहे हैं हल्द्वानी वापस। हल्द्वानी में मेरे 3-4 दिन और लगेंगे, फिर वहाँ से हरियाणा की ट्रेन है, हरियाणा अपने घर यमुनानगर जाऊँगा सीधा। तो बहुत मज़ा आया यार, मिस करूँगा इनको सबको, खासकर दीपा दीदी को। फिर मिलते हैं सबसे बाद में। अब बैग भी पैक कर, ये ना बैग, फिर चलते हैं जल्दी से अब हल्द्वानी को। अब तो दोस्तों जा रहे हैं हम, आज फिर हमें दी ड्राइवर जहाँ से ऑटो मिलेगा वहां तक जितने दिन मुझे छोड़ के आएंगे, वहां से मुझे अपना आप जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे वहीं जाकर। कितने सुंदर सुंदर सरसों के फूल लग रहे हैं दोस्तों, गांव बहुत ही सुंदर है यार, बहुत ही मजा आया यहाँ पे। क्यों मजा आया? सही है। बहुत याद आएगी सबकी यार, फिर पता नहीं कब आना होगा। रुक जाइए, मिलते हैं सबसे। क्या कह रहे हो? रुक जा आज, और अभी कह रहे हो सुबह जल्दी कर जल्दी जा, अब कह रहे हो रुक जाओ। ऐसा तो नहीं कहा। अभी कह रहे जल्दी कर जल्दी जल्दी जा, ऐसा तो नहीं कहा। अब कह रहे रुक जाओ, चलो फिर पता नहीं कब आना होगा यार, घर भी जाना, बहुत दिन हो गया, 2 महीने हो गया मुझे घूमते हुए। फिर मिलेंगे सबसे यार, बहुत याद आएगी, परी की, रिद्धि की, दीपा दीदी की, जीजा जी की, पवन भाई की, सबकी याद आएगी, सब बहुत अच्छे थे यार। मिलते हैं फिर कभी आगे, बस सामने है। बस तो मिल गया, हमें ऑटो में बैठने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट बस ही मिल गया यहाँ से। बस दीपा दीदी घर से डायरेक्ट बस में ही बैठ गए थे हम, और अब सीधा बस में जा रहे हैं हल्द्वानी। मिलते हैं वहीं जाके आपसे। सो गाइस, हम जा रहे हैं बस से तो उतर गए, पैदल पैदल जा रहे हैं हल्द्वानी, और मतलब अपनी मौसी के घर हल्द्वानी में। तो वहीं मैंने नवा रास्ता खोज लिया आज मैंने, थोड़ी दूर पड़ रहा है यार, बहुत देर से पैदल चल रहा हूँ, वहीं जाके मिलता हूँ, थोड़ा वहीं जाके बनाता हूँ। फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए मौसी के घर बहुत देर के बाद, पर हमने एक नवा रास्ता खोजा। अंबानगर की तरफ से आए थे हम, कोई पड़ता है यहाँ पे यार, यहाँ से निकल के जाना है। अब ये कहाँ से निकल के, पतली गली से निकल के जाना पड़ता है, ये रहा घर। हे गाइस, आ गए हम छत पे रुद्रपुर से, तो आ गए दीपा दीदी के घर से। बस दोस्तों जैसे ही मैं हल्द्वानी पहुंचा मेरी मौसी के, सीधा मैं छत के ऊपर आया सबसे पहले, क्योंकि यार मुझे यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े नैनीताल के पहाड़ नज़र आते हैं यार। ये देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं नैनीताल के, यहाँ देखिए 100 पहाड़ हैं, मतलब इन पहाड़ों के पीछे नैनीताल है, नैनी नैनी झील है ना, जो सी जो जितने भी अनोखे नौताल हैं सब इस नैनीताल के पीछे हैं, इस पहाड़ों के पीछे हैं यार। बहुत ही अच्छा व्यू छत का तो यार, सबसे पहले मैं जब भी आता हूँ ना सब ऐसे कह रहे भाई हमसे तो मिला नहीं, हमसे तो मिला नहीं, छत के ऊपर चढ़ दिया, छत के ऊपर चला गया देखने के लिए। पर क्या करूँ यार, इतना मज़ा आता है यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू है यार। यहाँ बैठ के ना मैं मतलब बैठे रह सकता हूँ, मतलब सुबह से शाम हो जाए मुझे यहाँ पे बैठे बैठे, मुझे बहुत मज़ा आता है यार। चाय का कप हो और बस सुबह से शाम हो जाए, मैगी मिल जाए खाने को, कितना अच्छा व्यू है यार, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। देखिए आपको थोड़ा ध्यान से दिखाता हूँ मैं, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं यार, बस इन पहाड़ों के पीछे है नैनीताल यार। यहाँ से अब थोड़ा कोहरा भी लग रहा है ना, तो कोहरा टाइप, बहुत बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं यार यहाँ से। हल्द्वानी की सबसे सुंदर जगह हो सकती है दोस्तों, मुझे खुद ऐसा लगता है,
अगर आपको भी अगर ऐसी ऐसी जगह देखनी है तो यार हल्द्वानी में है हूँ मैं इस टाइम। वैसे तो आपको पता ही मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, हल्द्वानी मेरी मौसी का घर है ये। अगर आपने भी यहाँ से व्यू देखना हो ना अगर पहाड़ों वगैरह का इस एरिया से मतलब, तो आप भी आ सकते हैं। काठगोदाम से 5 किलोमीटर हम पहले ही हैं, लाल डांट रोड पर पड़ता है ये। और अगर आप भी देखना चाहें तो यार इधर की तरफ से एक बार व्यू जरूर देखना हल्द्वानी का यार, बहुत ही मज़ा आएगा। आप खुद भी देख सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा एकदम। और बस अब नीचे जाके कुछ खाने वगैरह का देखते हैं यार, भूख भी बहुत लग रही है। मैं तो आते ही बस बैग गिरा मैंने, चलो भाई छत पे चलो। और दोस्तों यार अगर आप भी डेली व्लॉग या डेली रूटीन के लाइफस्टाइल के व्लॉग देखें तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना बिल्कुल यार मुझे, अगर आप भी डेली व्लॉग या लाइफस्टाइल के व्लॉग देखना पसंद करते हैं, खासकर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। और नहीं भी हैं तो वो भी यार, अगर कोई भी मन में डाउट हो यार, कोई भी कुछ चाहता है कि हमें कुछ इस तरह से देखना कुछ इस तरह से देखना, तो यार प्लीज़ यार मुझे ज़रूर एक बार वो कमेंट करके ज़रूर बताना यार, थोड़ा सपोर्ट चाहिए मुझे आप सबका यार, क्योंकि मुझे अब उत्तराखंड में 2 महीने हो गए कंप्लीट, और जिस तरह से मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए ऑडियंस का उस तरह से नहीं मिल रहा यार, एक बार मेरी हेल्प ज़रूर करें यार, सपोर्ट ज़रूर करें। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं यहीं हूँ हल्द्वानी, 14 तारीख को मैं फिर से हरियाणा जा रहा हूँ वापस, और कल या परसों में जा रहा हूँ नैनीताल, तो वहाँ का ब्लॉग मिलेगा यार आपको, बहुत अच्छा है। मतलब उससे पहले अगर आपको नैनीताल की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नैनीताल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या कोई प्लेस हो ऐसा नैनीताल का जो आपको देखना हो, तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना एक बार, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और साथ ही नैनीताल में मैं धर्मशाला या होटल जिसमें भी रुकूंगा उसकी भी डिटेल आपको दूंगा, आपको वहाँ रुकना चाहिए कि नहीं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।